वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने हिंदी के ई क्लास में। चलो हम कर रहे हैं अपना लेसन नंबर 5, जो कि एक काव्य है, धरती को महकाएं। काव्य हमने समझ लिया था, आई होप आपने नोटबुक में लिख लिया होगा और मीनिंग्स भी लिख लिए होंगे। चलो काव्य हमने समझा था कि जो प्रकृति है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेन दिया यानी कि दीपक, फिर सूरज और फूल, इन तीनों से हमने बहुत कुछ सीखा था और कवि ने हमको भी सिखाया था कि हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलो अब ये तो हो गया, अब आगे का बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, देखते हैं स्वाध्याय यानी कि जो एक्सरसाइज दी गई है वर्कबुक में वो स्टार्ट करते हैं। सो टेक आउट योर वर्कबुक। और मैम बोलती जा रही है जितने एमसीक्यूज समानार्थी जो है वो वीडियो देखते जाना है और साथ में लिखते जाना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सूरज की किरणें रोज डैश पर आती है। आंसर आएगा धरती। हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी डैश को महकाएं। धरती बगिया के फूलों को देखो कैसे डैश रहते हैं, कैसे रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। समानार्थी शब्द पेज नंबर 33, पुष्प फूल सूरज रवि, भूमि धरती मानव इंसान। चलो फिर शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, लड़का लड़के, पंखा पंखे, आंख आंखें, किताब किताबें, पौधा पौधे, पेंसिल पेंसिलें। चलो मुहावरों के अर्थ लिखिए, रोशन करना प्रकाशित करना, इंसान बनना अच्छा आदमी बनना, नाम कमाना यश पाना। चलो होमवर्क है मुहावरों के अर्थ का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि चलो मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं, इसका सेंटेंस आपको खुद बनाना है। प्रश्न के उत्तर लिखिए, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, यानी कि आसपास देखना है जो फ्लावर आपको दिख रहा है इसके नाम लिखते हैं। ठीक है मैम ने यहाँ पर लिखे हैं गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा और गेंदा। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? आंधी, तूफान, बारिश आदि फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता, मतलब आदि नहीं रोक पाते या पाता। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, तब जाकर धरती सुंदर हो जाएगी। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है ना, सीख भी तो सबसे ज्यादा मिलती है। हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल फल हमें प्रकृति से मिलते हैं। फूल सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? जो पूरे काव्य का सार आ जाएगा। फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। चलो ये सारा वर्कबुक में कॉपी करना, एमसीक्यूज तो मैम के साथ साथ होंगे, सिर्फ ये प्रश्न के उत्तर जो है साथ वो आप कॉपी कर लेना। थैंक यू।